हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल स्क्रीन पर आप सभी ने देखा होगा कि डेट्स को कैसे याद रखें, देश की राजधानी और उनकी करेंसी, MPGS, हिस्ट्री, साइंस और काफ़ी कुछ है जो कि मेरे पास, मैंने जो कोर्स बनाया हुआ है ये, मतलब ये समझ लीजिए बहुत ही सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था तब काफ़ी कुछ मुझे कन्फ्यूजन होता था। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हिंदी है, हिंदी में अनेकार्थक और पर्यायवाची, इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मतलब हम जब पर्यायवाची याद कर लेते हैं तो हम अनेकार्थक में घुसट देते हैं अनेकार्थक के पर्यायवाची में। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, मुझे भी समझ में आता है। और साथ में हमें डेट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि हिस्ट्री की हमने डेट्स याद की और भूल गए, मतलब कुछ टाइम बाद अगर हमने रिविज़न नहीं किया, रिविज़न ऐसे डेली करे तो ठीक है, नहीं किया तो भूल गए। तो मैंने इसी के लिए एक माइंड मेथड बोल, मतलब ये आप लोग तो ट्रिक बोलिए, ये एक माइंड मेथड होता है जो मैं आपको बता देता हूँ, मैपिंग की फॉर्म में काम करता है। तो मैं उसके कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको ओवरव्यू दे देता हूँ आगे आने वाली क्लास की। वैसे तो आज की हमारी क्लास रहेगी जो कि हमारी एशिया के जो देश हैं उनकी राजधानी और उनकी करेंसी के ऊपर हुआ है वो क्लास। तो मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको, जैसे कि माउंट एवरेस्ट कब मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट ये हमारा 29 मई को मनाया जाता है। अब ये कैसे याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। तो ये नेपाल में है, बिल्कुल सिंपल सा, आपको केवल यही वर्ड याद करना है कि नेपाल में। और ये आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आपको नेपाल से कैसे कन्वर्ट होगा, बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल आप एक बार जब ये क्लास होगी ना हमारी डेट्स वाली, तो बिल्कुल आपको सिंपल आप समझ जाएंगे सब कुछ कि हाँ कितना सिंपल होता है डेट्स को याद रखना। मैं बहुत टफ समझता था पहले, मैं भी आपकी तरह था। सेकेंड हम लेते हैं पुस्तकें और उनके लेखक। अब जैसे गीता रहस्य किसने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने। अब गीता किसमें थी, शक्तिमान में, याद हो सबने, जिनने भी शक्तिमान प्रोग्राम देखा होगा उन सबको याद होगा कि शक्तिमान गंगाधर था। और गीता के लिए हमेशा रहस्य रहा कि शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है। अब सेकेंड हम लेते हैं इंडिया विंस फ्रीडम। अब इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम मतलब कि आज़ादी या स्वतंत्रता। तो इसके राइटर कौन है, अब्दुल कलाम आज़ाद। आज़ादी और फ्रीडम ये मैच कर रहा है ना हमारा, तो इससे हम एक मैपिंग टाइप की बन रही है हमारी। अब थर्ड हम लेते हैं इंडियन स्ट्रगल। अब स्ट्रगल का इसका क्या है, इसके राइटर कौन है, सुभाष चंद्र बोस। अब हमें इसे कैसे याद रखेंगे कि स्ट्रगल करके ही तो इंसान बॉस बनता है ना, जितनी ज़्यादा स्ट्रगल जो इंसान करता है तभी तो बॉस बन पाता है, हर कोई ऐसे नॉर्मल तो नहीं बन जाता ना बिना स्ट्रगल। अब थर्ड हम लेते हैं जैसे कि समाधि स्थल मैंने लिया कि राजघाट सबको याद होगा कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। बट इसे अगर हमारे, मतलब जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है अगर चार ऑप्शन एक जैसे आ जाते हैं, तो उसका मैं सिंपल बता देता हूँ। जैसे राजघाट, तो राज हम पे किन ने किया था, अंग्रेज़ों ने किया था, अंग्रेज़ों ने राज किया था। और हमें छुटकारा किन ने दिलाया था, महात्मा गांधी ने। तो राजघाट महात्मा गांधी, अब आप भूल नहीं पाएंगे, आप चाहेंगे भी ना तब भी नहीं भूल पाएंगे। अब सेकेंड हम इसमें लेते हैं किसान घाट। अब किसान घाट किसका घाट है, मतलब किसका समाधि स्थल है, ये चौधरी चरण सिंह का है। तो चौधरी चरण सिंह कैसे याद रखेंगे कि किसान देश के लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके पैर, हमें उनके चरण छूने चाहिए। तो चरण छूने चाहिए, चरण चौधरी चरण सिंह, उससे लिंक हो गया चरण हमारा। तो मैंने ये कोर्स आप सभी के लिए बनाया हुआ है और आप आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं एशिया के देश और उनकी राजधानियाँ कराऊंगा और उनकी करेंसी। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एशिया के देश और उनकी राजधानी और मुद्रा मतलब करेंसी। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट देश लेंगे हम पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और वहाँ की मुद्रा है रुपया। तो कैसे याद रखेंगे हम, कैसे, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, सभी को पता है कि वहाँ पर मोमटन रहते हैं, तो इस्लाम धर्म है वहाँ पर, तो इस्लामिक देश है, तो इससे हमें याद रहेगा। और जहाँ तक सभी को पता होगा कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ सब जगह पे रुपये चलता है। जहाँ पे थोड़ा सा टफ होगा, लगेगा कि करेंसी मतलब आप याद नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे मैं उसकी ट्रिक बनाई हुई है, मैं वो आपको समझा दूँगा। सेकंड हम लेते हैं श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटी और वहाँ की करेंसी है रुपया। तो उसको कैसे याद रखेंगे हम कि श्रीलंका के, आपके एक प्लेयर का नाम सुना होगा, महिला जयवर्धने पुरा याद रहेगा इससे हमें, श्रीलंका की राजधानी। थर्ड हमारा रहेगा नेपाल की राजधानी हमारी काठमांडू और वहाँ की करेंसी भी रुपये है। तो नेपाल कैसे याद रखेंगे, पाल, किसी भी जानवर को पाल कर हम काट नहीं सकते, तो
तो नेपाल का पाल उठाया हमने, काठमांडू का काट उठाया। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो ज़रा सा भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्ज़ाम में। अब हमारा फोर्थ है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ की करेंसी है टका। तो ये कैसे याद रखेंगे, इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मतलब हमारी पूर्व साइड वहाँ पे बांग्लादेश जो मैप है, मतलब मैप आप खोल के देखना इंडिया का, तो वहाँ पे चारों तरफ से हमारी इंडिया से ढका हुआ है। तो इससे रहेगा ढका, और टका टका के लिए तरस रहा है। तो इससे हमें याद रहेगा कि बांग्लादेश हमारे इंडियन मैप में ढका हुआ है चारों तरफ से और टका टका के लिए परेशान हो रहा है। फिफ्थ हम लेंगे म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ और वहाँ की करेंसी है क्या बात। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि म्यांमार से मार उठाएंगे, नेपिताओ से पिता पिता, और क्या बात से क्या याद से क्या बात, जैसे कौन मार रहा है पिताजी क्या बात होगी। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि मार से कौन मार रहा है पिताजी क्या बात हो गई। ठीक है, अब हमारा सिक्स्थ है मंगोलिया। मंगोलिया का है उलान बटोर और वहाँ की राजधानी है तुगरिक। तो इसे कैसे याद रखेंगे, गोलियाँ नागरिक बटोर कर खा रहे हैं। मंगोलिया से गोलियाँ और उलान से मतलब उलान बटोर से बटोर और तुगरिक से नागरिक बनाया। ठीक है, सेवन्थ हमारा रहेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और वहाँ की करेंसी अफगानी। तो अफगानिस्तान में आप जाओगे तो वहाँ पर पूछते हैं कि आपको अफगानी काबुल है कबूल है, तो इससे आपको याद रहेगा जहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एट्थ हमारा पॉइंट है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और वहाँ की करेंसी है युआन। तो हम कैसे याद रखेंगे, जैसे चीन कहीं भी दूसरे देश में अगर व्यापार करता है तो वो सबसे पहले क्या बोलता है कि युआन, मतलब पहले आपको मौत है युआन, फिर वो खुद ही मतलब बिजी होता है कमाई में, तो बिजी से बन जाएगा बीजिंग और युआन से युआन। ठीक है, अब नाइन्थ है हमारा जापान। जापान का है टोक्यो और वहाँ की करेंसी है इन। तो जापान इतना पावरफुल देश है कि उसे कोई मत टोक्यो, तो इससे हमारी राजधानी याद हो जाएगी उसकी टोक्यो, और दोनों के लास्ट वर्ड जोड़ दो जापान का ना और टोक्यो का ए, तो एन उनका करेंसी है। ठीक है, ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे और वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो डॉलर। तो ऐसे कैसे याद रखेंगे ताइवान, तो ताइवान से हम ले लेते हैं ताई, ताइवन ठन के डॉल लगती है। ठीक है, समझ रहे हो, ताइवन ठन के डॉल लगती है और डॉल किस पर गई है ताइपे। तो ताइवान ताइवन ठन के कैसे लगती है डॉल जैसी, तो डॉल मतलब डॉलर और डॉल किस पे गई है ताइपे, ताइपे यहाँ की राजधानी। इससे क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थाईलैंड। तो थाईलैंड की क्या है राजधानी, बैंकॉक, और वहाँ की करेंसी क्या है थाई ताइवियत। तो ऐसे हम कैसे याद रखेंगे कि जैसे आपने सुना ही होगा बैंकॉक मसाज के लिए फेमस है, तो थाई बेहद दर्द होती है, तो हम मसाज कराने कहाँ जाते हैं बैंकॉक। ठीक है, थाईलैंड में थाई बेहद दर्द होने पर हम कहाँ जाएंगे मसाज कराने, बैंकॉक। 12th पॉइंट हमारा है कम्बोडिया। कम्बोडिया का है नाम पेन और रियल। तो इसे कैसे याद रखेंगे, कम्बोडिया, कम्बोडिया का हमने उठाया बोर्ड, बोर्ड थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो एमपी बोर्ड होता है ना, एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड, तो उसे वो, तो वो बोलेंगे कि बोर्ड रियल में है इस बार, नाम और पेन सही ले जाना। नाम और पेन हो गया हमारा राजधानी और बोर्ड रियल, तो रियल से इसे रियल बन जाएगा। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग की राजधानी है विक्टोरिया और बाकी करेंसी है डॉलर। तो हांगकॉन्ग से रिलेटेड है किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग मूवी सभी ने देखी होगी, वो बड़े बंदर वाली। तो हांगकॉन्ग से बना किंग कॉन्ग। तो किंग कॉन्ग को कौन पसंद थी, वो डॉल जैसी लड़की जो थी उस मूवी में, तो उसका नाम क्या था, विक्टोरिया। तो इससे हमें याद रहेगा। अब हमारा अगला है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और वहाँ की करेंसी है वो पैसो, पैसो। तो फिलीपींस, तो हम कैसे याद रखेंगे कि हमने फलियों को पीस कर क्या बना लिया, एक शेक, जो कि मनीला मनीला शेक बनाया, और जिसे हमें बेच कर क्या मिले, पैसे मिले। ठीक है, तो पीस से पैसों भी हम ऐसे लिंक कर सकते हैं कि पीस और पैसों। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जकराता, जकार्ता, जकार्ता और रुपया। तो अब इसे कैसे करेंगे, इंडो एशिया, इंडोनेशिया का हम दो पार्ट में तोड़ें तो इंडो एशिया, इंडो मतलब इंडिया से रिलेटेड, तो इंडिया से रिलेटेड है तो इंडिया में क्या चलता है, रुपया, तो रुपया, ओके। अब एशिया, इंडो एशिया, तो हमारी इंडियन इंडिया है उसमें क्या चलता है, हमारे यहाँ जगराता चलता है, जाता सुना होगा माता के भजन, माता के जगराता। तो इससे आपको लिंक हो जाएगा, आप एक बार और देखेंगे ना तो 100% आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मलेशिया। मलेशिया का है क्वालालंपुर और रिंगिट। तो इसे कैसे याद रखेंगे,
कि मलेशिया, मलेशिया को हमने दो पार्ट में तोड़ा, मालिस और एशिया। एशिया में मालिस से लाल की याद आ जाती है। एशिया में मतलब हमारे एशिया में जो भी हमारे यहाँ मालिस के लिए मालिस वगैरह होती है एशिया में, इंडिया में, तो इससे कैसे याद रखेंगे कि एशिया में मालिस से लाल की याद आ जाती है। इतनी भयंकर मालिस होती है हमारे यहाँ कि बंदा लाल हो जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके। तो मालिस से हमारा मलेशिया, मलेशिया से मालिश उठाया, और कुआलालंपुर से क्या है लाल, लाल बीच में हमने उठा लिया उसका, और रिंगटन से रोंगटे उठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संयुक्त अरब अमीरात, और उसका राजधानी है आबू धाबी, और बाकी करेंसी है दिरहम, दिरहम। तो हम कैसे याद रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात में धोबी जो है ना वो भी हमसे अमीर है, तो अबू धाबी का धोबी बना लिया और दिरहम से हम ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीरिया। सीरिया का है द मिस्क और पाउंड। तो सीरिया का बनाया हमने सरिया। तो सरिया जो रॉड होती है, सरिया देखते हैं आप जो घर वगैरह में यूज होती है, तो उस वो रॉड क्या है दो तीन धातुओं से मिलकर बनी होती है, तो उसे क्या है मिक्स मिक्स धातु रहती है वो। तो इसे कैसे याद रखेंगे, सरिया मिक्स धातुओं से बनता है, और वेट में कैसे हम पाउंड में आता है ना, जैसे देखा होगा कितने पाउंड का है सरिया, कितने पाउंड आए हैं, तो उससे याद रहेगा हमें कि सरिया मिक्स धातु का बना है और वजन हमें पाउंड में नापते हैं। तो मिक्स से मिस्क थोड़ा सा मैच कर रहा है और पाउंड तो है ही हमारा। नेक्स्ट हमारा है कतर। कतर का है दोहा, और वहाँ की राजधानी मतलब करेंसी वहाँ की रियाल। तो कैसे याद रखेंगे, चूहे ने कतर दिया पोहा पूरा रिया, रिया को बता रहे कि चूहे ने कतर दिया हमारा पूरा पोहा रिया। तो दोहा को हमने कन्वर्ट कर दिया पोहा में, तो हम ये भूल नहीं पाएंगे। और नेक्स्ट हमारा है, लास्ट है हमारा मिस्र। मिस्र मिस्र का है काहिरा, और वहाँ की मतलब वहाँ की करेंसी है पाउंड। तो हम कैसे याद रखेंगे कि मिस्र काहिरा, काहिरा का हमने तोड़ा दो पार्ट में, मिस्र काहिरा पाउंड में बिकता है। तो होप करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही शेयर भी करें।